आयुर्वेद की इस दुनिया में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कब्ज के बारे में। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, आप इस कब्ज की समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो आज की यह जानकारी सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद नुस्खा बताऊंगा। इस नुस्खे का इस्तेमाल करके आप अपने कब्ज की समस्या को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर उसके बाद बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते, जान लेते हैं कि कब्ज को दूर करने का नुस्खा कौन सा है। दोस्तों, आपको सौंफ लेनी है, और सौंफ ले जितनी आपने सौंफ ली है उसके बराबर मात्रा में आपको गुलकंद लेना है। अब इस सौंफ और गुलकंद को दोनों को एक जगह मिक्स करके चटनी सी बना लेनी है, और फिर इसको खा लेनी है। आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके इस खुराक को लेते ही, इस नुस्खे को लेते ही कुछ मिनटों बाद ही आपका कब्ज दूर होना शुरू हो जाएगा। कब्ज को दूर करने के लिए यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। गुलकंद और सौंफ, इस नुस्खे का इस्तेमाल अगर आप कंटिन्यू कुछ दिनों तक करते हो तो आपके पेट में परमानेंट बनने वाला कब्ज भी समाप्त हो जाएगा, और कभी कभी होने वाला कब्ज भी समाप्त हो जाएगा। तो कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर देना। क्या पता आपके एक शेयर से किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाए। तो शेयर करते रहिए। मैं फिर मिलता हूँ आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ।